छात्राओं, आज हम पेपर फर्स्ट की यूनिट सेकेंड के टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ एव्स का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। जैसे कि पिछले पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि एव्स या बर्ड्स को दो उपवर्गों में विभाजित किया जाता है, सब क्लास फर्स्ट आर्कियोनिथेस और सेकेंड सब क्लास है नियोर्निथेस। जो सब क्लास नियोर्निथेस के अंतर्गत सभी आधुनिक तथा विलुप्त पश्चिम जुरैसिक पक्षी इंक्लूडेड हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर सभी में पंख भलीभांति विकसित और उड़ान के लिए अनुकूल होते हैं। इस सब क्लास नियोर्निथेस के अंतर्गत चार सुपर ऑर्डर्स आते हैं, जिनमें से कि सुपर ऑर्डर ओडोंटोग्नैथी, इम्पेनी और पेलियोग्नैथी या रेटाइटी के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम सुपर ऑर्डर नियोग्नैथी या कैरिनेटी के बारे में पढ़ेंगे। नियोग्नैथी के अंतर्गत सभी आधुनिक छोटे आकार के उड़ने वाले पक्षी आते हैं। इनमें पंख सुविकसित होते हैं। जो चोंच है वो दंतहीन होती है, दी बीक इज डिवॉइड ऑफ टीथ, ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती हैं, स्टर्नम विथ वेल डेवलप्ड कील इज प्रेजेंट, पाइगो स्टाइल इज ऑल्सो प्रेजेंट, पेल्विक गर्डल या श्रोणि मेखला की ईलियम और ईस्टियम बोन पीछे की ओर संयुक्त होती है, पेक्टोरल मसल्स इसमें काफ़ी विशाल होते हैं। और बर्ड्स जो नियोग्नैथी के अंतर्गत आती हैं वो आर्बोरियल बर्ड्स, टेरेस्ट्रियल बर्ड्स, स्विमिंग बर्ड्स या डाइविंग बर्ड्स, शोर या वेडिंग बर्ड्स, बर्ड्स ऑफ प्रे और एरियल बर्ड्स, इन ग्रुप्स के अंतर्गत विभाजित की जा सकती हैं। जैसा कि आप इसके अंदर देख रहे हैं, सुपर ऑर्डर नियोग्नैथी, इसमें बहुत सारे ऑर्डर्स उपस्थित हैं। तो ऑर्डर सिटैसीफॉर्मिस, ऑर्डर पिसीफॉर्मिस, ऑर्डर पैसिरीफॉर्मिस और ऑर्डर कोलम्बीफॉर्मिस, ये आर्बोरियल बर्ड्स इनमें ज़्यादातर आती हैं। टेरेस्ट्रियल बर्ड्स जो है वो दे फॉल अंडर ऑर्डर गैलीफॉर्मिस एंड क्यूक्यूलीफॉर्मिस। नेक्स्ट ऑर्डर एंसरीफॉर्मिस, कोरासीफॉर्मिस, गैबीफॉर्मिस, कोलम्बीफॉर्मिस, प्रोसिलेरीफॉर्मिस, पेलिकैनीफॉर्मिस, इसके अंतर्गत ज़्यादातर स्विमिंग बर्ड्स आती हैं। नेक्स्ट है चेराडीरी फॉर्मिस, सिकोनीफॉर्मिस, ग्रुईफॉर्मिस, इसके अंदर जो है शोर या वेडिंग बर्ड्स आती हैं। फैल्कोनीफॉर्मिस, स्ट्रिजीफॉर्मिस के अंतर्गत प्रीडेटर बर्ड्स आती हैं या बर्ड्स ऑफ प्रे। माइक्रोपोडीफॉर्मिस और कैप्रीमल्जीफॉर्मिस के अंतर्गत ज़्यादातर एरियल बर्ड्स आती हैं। अब सबसे पहला ऑर्डर है सिटैसीफॉर्मिस। सिटैसीफॉर्मिस के अंतर्गत आप यदि देखेंगे तो ये जो चित्र है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो पैरट्स हैं वो आते हैं ज़्यादातर, और ये प्रायः चटकीले रंगीन पंखों वाले होते हैं। इसमें जो पक्षी पाए जाते हैं उनका सिर बड़ा होता है, गर्दन छोटी होती है तथा चोंच जो है वो स्थूल, दृढ़ एवं वक्रित होती है। जो फेदर्स हैं वो ज़्यादातर ग्रीन, येलो, ब्लू या रेड कलर्ड होते हैं, और फीट जो है ज़ाइगोडेक्टाइलस होती है, जिसमें दो जो टोज होते हैं वो सामने की तरफ और दो टोज बिहाइंड होते हैं, पीछे की तरफ होते हैं। बीक जैसा कि पहले हम बात कर चुके हैं, स्टाउट होती है और हुक्ड होती है एट द टिप। तो एग्जांपल है द ग्रीन पैरट्स।
नेक्स्ट ऑर्डर है पिसिफॉर्मिस। पिसिफॉर्मिस के अंतर्गत जो पक्षी आते हैं वो वृक्षवासी होते हैं और प्राय एकल पक्षी होते हैं। ये इनके अंदर जो टंग है वो प्रोट्रूसिबल होती है और जो टोज हैं वो टू इन फ्रंट एंड वन बिहाइंड होते हैं। टेल जो है टेल फेदर्स वो स्टिफ होते हैं एंड दे हैव गॉट अ पॉइंटेड टिप। जो बीक है जो चोंच है वो बड़ी होती है और छेनी समान होती है या चिजल लाइक होती है। ये ज़्यादातर जो है जैसे कठफोड़ा हम कहते हैं वुड पैकर इनके इसके अंतर्गत आते हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं। और ये जो चोंच है इसकी ये दिस हेल्प्स देम टू डिक इंसेक्ट एंड द लार्वे आउट ऑफ द वुड। जो ट्रीज होती हैं उसके बार्क के अंदर ये इंसेक्ट्स और उनके लार्वे डिग आउट करते हैं अपनी इस चिजल लाइक बीक से। नेक्स्ट है ऑर्डर पैसिरीफॉर्मिस। ये सबसे बड़ा ऑर्डर है और इसके अंदर जो है जो फीट हैं दे आर अडेप्टेड फॉर पर्चिंग और चोंच जो है वो काटने के लिए अनुकूल होती है। लाइक दी अदर ऑर्डर्स देर आर थ्री टोज इन फ्रंट एंड वन बिहाइंड। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं इसके अंदर पैसर डोमेस्टिकस या हाउस स्पैरो जिसे हम कहते हैं वो चित्र में आपको दिखाई दे रही है, कॉर्वस स्प्लेंडेंस या क्रो कौआ और स्वेलोस ये इसका भी चित्र आप देख सकते हैं। इसके अलावा बया स्टारलिंग्स लार्क्स इंडियन रॉबिन कॉमन मैना ये भी इस ऑर्डर के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट ऑर्डर आता है कोलम्बीफॉर्मिस। कोलम्बीफॉर्मिस में इनकी जो स्किन है वो थिक होती है और सॉफ्ट होती है। इनके अंदर लार्ज क्रॉप होता है जिससे कि पिजन मिल्क प्रोड्यूस होता है इन ऑर्डर टू फीड द ऑफस्प्रिंग्स। ये ग्रैमिनिवोरस होते हैं और फ्रूगीवोरस होते हैं ज़्यादातर, यानी कि ग्रेन्स खाने वाले और फ्रूट्स खाने वाले पक्षी होते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कोलम्बा लीविया, ब्लू रॉक पिजन या कबूतर जिसे कि हम आम भाषा में कहते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर है गैलीफॉर्मिस। गैलीफॉर्मिस ये धरतीवासी आखेट पक्षी या गेम बर्ड्स जो अपनी स्वादिष्टता के लिए उल्लेखनीय हैं। दे आर वेल नोन फॉर देयर पैलेटेबिलिटी, सो दे कम अंडर ऑर्डर गैलीफॉर्मिस। इनके अंदर पंख छोटे और गोलाकार होते हैं। दे हैव अ शॉर्ट फ्लाइट एंड दे आर ऑल्सो नोन एज गेम बर्ड्स। जो फेदर्स हैं दे आर विथ आफ्टर शाफ्ट्स। जो फीट है वो मैसिव है एंड इट इज़ अडेप्टेड फॉर स्क्रैचिंग, यानी कि पैर जो है स्थूल हैं तथा खुरचने वाले शक्तिशाली पंजों सहित हैं। और ये इनकी भी चोंच जो है छोटी होती है और ये ग्रैमिनिवोरस होते हैं। इसका एग्जाम्पल है गैलस या जंगल फाउल और पेवो क्रिस्टटस या पीकॉक विच इज़ आवर नेशनल बर्ड आल्सो। नेक्स्ट ऑर्डर है ऑर्डर क्यूक्यूलीफॉर्मिस। इसके अंदर आप देखेंगे कि इन पक्षियों की जो है टेल लंबी होती है। अगेन देर आर टू टोज इन फ्रंट एंड टू बिहाइंड और इनमें जो है ब्रूड पैरासिटिज्म पाया जाता है, यानी कि जो मादा है वो अपने अंडे किसी दूसरे पक्षी के घोंसले में रखती है। तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कोयल। आप चित्र में देख सकते हैं जो डार्कर शेड है वो है मेल और जो ब्राउनिश है जिसपे वाइट स्पॉट्स हैं वो है फीमेल कोयल के। सो देर इज़ अ वेरी गुड डिस्टिंक्शन इन द अपीयरेंस ऑफ बोथ मेल एज वेल एज फीमेल। नेक्स्ट ऑर्डर आता है एंसेरीफॉर्मिस। एंसेरीफॉर्मिस ये जलीय पक्षी या एक्वेटिक बर्ड्स होते हैं। इनकी जो
बीक है वो ब्रॉड होती है, चौड़ी होती है और चपटी होती है। इनकी टांगें जो है छोटी होती हैं और पैर जो है पादजाल युक्त होते हैं एवं इनकी गर्दन लंबी होती है। जो तेल ग्रंथि है वो भली भांति विकसित होती है इनके अंदर। और एग्जाम्पल है ज़्यादातर डक्स, एनस एक एग्जाम्पल जिसका कि आप चित्र भी देख सकते हैं। मेल इसके अंदर जो है ग्रीन हेडेड है और फीमेल जो है ज़्यादातर ब्राउनिश, कंप्लीटली ब्राउनिश है। सो यू कैन सी दैट मेल्स इन बर्ड्स आर मोर अट्रैक्टिव इन कंपैरिजन टू दी फीमेल्स। नेक्स्ट ऑर्डर है कोरासीफॉर्मिस। इसके अंतर्गत जो पक्षी आते हैं उनकी जो चोंच है वह दृढ़ वो पैनी होती है। थर्ड और फोर्थ टोज ये दोनों के दोनों फ्यूज रहते हैं एट द बेस और इनकी पूंछ लंबी होती है कई पक्षियों के अंदर, जैसे कि ग्रे हॉर्नबिल है इसका आप नीचे चित्र भी देख रहे हैं, इसकी पूंछ काफ़ी लंबी है। और इसके ऊपर जो है जो एग्जाम्पल जो चित्र है वो है पाइड किंगफिशर का। तो ये जो है यूनिवर्सल मांस भक्षी पक्षी होते हैं। इसके अंतर्गत हुपे भी आते हैं जिसे कि उपुपा इपोस भी कहा जाता है। सो द एग्जाम्पल्स आर किंगफिशर, ग्रे हॉर्नबिल एंड हुपे। नेक्स्ट ऑर्डर है गैविफॉर्मिस। गैविफॉर्मिस के अंतर्गत आप देखेंगे कि ये विशाल समुद्री आर्टिक पक्षी, इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। ये जो पक्षी हैं ये कुशल उड़ाका होते हैं, दे आर मेराइन बर्ड्स। और इनका जो देह है वो गोता लगाने के लिए धारा रेखित होता है, इट इज़ स्ट्रीमलाइंड। टांगें बहुत पीछे जुड़ी हुई होती हैं और इनके जो टोज़ हैं वो वेब्ड होते हैं, डेफिनेटली बिकॉज दे आर मेराइन, दे लिव इन वाटर, दैट इज़ वाई दे हैव गॉट वेब्ड टोज़। और चोंच जो है तीखी और नोकदार होती है। इनकी जो फ्लाइट है वो भी बहुत पावरफुल होती है। इसका एग्जाम्पल है गेविया जिसका कि आप चित्र देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कोलम्बी फॉर्मिस या इसे पॉडीसी पेडी फॉर्मिस भी कहते हैं। ये जो है कमज़ोर उड़ाका होते हैं लेकिन ग्रेट डाइवर्स होते हैं ये। इनमें पटेला जो पाई जाती है वो काफ़ी बड़ी होती है और टांगें जो है देह से बहुत पीछे होती हैं, गर्दन पतली व लंबी होती है और चोंच नोकदार होती है। इसका एग्जाम्पल है छोटी समुद्री पनडुब्बी या इन्हें ग्रेब्स भी कहते हैं, पॉडीसेप्स इसका जूलॉजिकल नेम है। ये जो है ग्रेब्स अपने स्वभाव के कारण गोताखोर डाइवर्स भी कहलाते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं कि ग्रेब है और उसके जो है छोटे जो है डकलिंग्स भी उसके साथ मौजूद हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्रोसिलेरीफॉर्मिस। प्रोसिलेरीफॉर्मिस के अंदर जो पक्षी हैं उनके लॉन्ग और ऑयली विंग्स होते हैं, ट्यूब्यूलर नॉस्ट्रल होती है इनकी और इनमें लार्ज नेजल ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ये ज़्यादातर मराइन बर्ड्स होती हैं जिसका कि एग्जाम्पल है एल्बेट्रॉस और इसका आप चित्र भी देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर आता है ऑर्डर पेलेकैनी फॉर्मिस। ये जो है एक्वेटिक फिश ईटिंग बर्ड्स होते हैं। इनकी नॉस्ट्रल्स जो है वो वेस्टिजियल होती हैं और इनके अंदर गुलर पाउच उपस्थित होता है। ये जो है गुलर पाउच ज़्यादातर पेलिकन्स में पाया जाता है। पेलिकन्स की जो चोंच होती है उसके नीचे लटकता हुआ ये एक बड़ा सा गुलर पाउच या सैक प्रेजेंट होता है। इनके जो टोज़ हैं वो वेब्ड होते हैं, इट इज़ फोर टोड एंड दे आर वेब्ड। बीक लॉन्ग होती है विथ वाइड गैप।
एग्जाम्पल है पेलिकेनस या पेलिकन। नेक्स्ट ऑर्डर है कैराड्री फॉर्मिस। कैराड्री फॉर्मिस के अंदर जो है जो पक्षी होते हैं उनकी लंबी जलक टांगें होती हैं, मड प्रोबिंग चोंचें होती हैं और इनमें तेल ग्रंथि पाई जाती है। जो विंग्स हैं वो काफ़ी डेंस होते हैं और फीट जो है वेब्ड होती हैं। हाइंड लिम्स दे आर स्लेंडर एंड एलोंगेटेड। एग्जाम्पल है लारस या गल। टिटहरी प्लोवर्स भी इसी वंश के अंतर इसी ऑर्डर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर है साइकोनीफॉर्मिस। साइकोनीफॉर्मिस के अंतर्गत जो पक्षी हैं इनमें लंबी टांगों वाले दलदली मार्शी तथा जलग या वेडिंग पक्षी आते हैं। इनकी गर्दन सर्प जैसी होती है और चोंच चिमटी समान होती है। पिंसर लाइक बीक इज प्रेजेंट। जो टोज हैं वो दे आर विदाउट वेब्स एंड फेदर्स आर वेरी डेकोरेटिव इन दिस ऑर्डर। द एग्जाम्पल्स आर ईग्रेट्स, हेरॉन्स, स्टॉर्क्स एंड फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो का आप चित्र देख सकते हैं। फोनिकोप्टेरिस इज द जूलॉजिकल नेम। द स्पीशीज माइट डिफर बट द जीनस इज फोनिकोप्टेरिस। नाउ द नेक्स्ट इज ग्रुइफॉर्मिस। ग्रुइफॉर्मिस के अंदर ज़्यादातर जो पक्षी हैं वो सारस समान होते हैं। उनकी लंबी गर्दन होती है, लंबी टांगें होती हैं और अंशतः पाद जालयुक्त होते हैं। जो फेदर्स हैं उनके अंदर आफ्टरशाफ्ट्स मौजूद हैं। बीक्स काफ़ी हैवी होती हैं और ये दे शो माइग्रेशन। सो द एग्जाम्पल अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस ऑर्डर इज सारस क्रेन। द पिक्चर दैट इज शोइंग द पेयर ऑफ सारस क्रेन विच इज नोन एज ग्रस एंटीगॉन। नेक्स्ट ऑर्डर है फैल्कोनीफॉर्मिस। फैल्कोनीफॉर्मिस के अंदर ये ज़्यादातर प्रे बर्ड होती है। इट हैज़ गॉट अ शार्प हुक्ड बीक एंड स्ट्रॉन्ग कर्व्ड क्लॉज होते हैं और ये जो है मज़बूत वक्रे पंजे जो होते हैं उनके साथ ये शिकारी पक्षी डायूर्नल यानी दिन और रात दोनों समय जो है ये अपना शिकार कर सकते हैं। द एग्जाम्पल इज एक्विला और ईगल। नेक्स्ट ऑर्डर इज ऑर्डर स्ट्रिचीफॉर्मिस। दीज बर्ड्स आर नॉक्टर्नल यानी ये रात्रिचर शिकारी पक्षी होते हैं। विशाल पीले नेत्र वाले, छोटी गतिशील गर्दन होती है इनकी। ये जंतु जगत में सबसे तेज़ आँख और कान वाले जो हैं ये आउल्स होते हैं और इसका एग्जाम्पल आप चित्र में भी देख सकते हैं। दिस इज़ ब्यूबो और दी आउल विच हैज़ गॉट येलो आईड टीथ एंड इट इज़ जनरली वेरी एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट। नेक्स्ट ऑर्डर इज माइक्रोपोडीफॉर्मिस या एपोडीफॉर्मिस। इसके अंतर्गत जो है द स्मॉलेस्ट बर्ड्स कम अंडर दिस ऑर्डर। देयर लेग्स आर वेरी शॉर्ट, दे हैव गॉट पॉइंटेड विंग्स एंड द बीक दैट दे हैव गॉट इज लॉन्ग बट स्लेंडर। इसके एग्जाम्पल्स हैं हमिंग बर्ड्स। इसके अलावा इंडियन स्विफ्ट्स, पाम स्विफ्ट भी इसके एग्जाम्पल्स हैं। आप चित्र में देख सकते हैं हमिंग बर्ड एंड यू कैन ऑल्सो कंपेयर द साइज ऑफ द हमिंग बर्ड एंड अ बी विच इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ इट। नेक्स्ट ऑर्डर है कैम्प्रीमल्गीफॉर्मिस। ये जो बर्ड्स हैं ये नॉक्टर्नल होती हैं यानी कि ये संकोची रात्रिचर कीट भक्षी पक्षी होते हैं। इनकी छोटी नाजुक चोंच होती है
जो लेग्स हैं वो काफ़ी स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, और शूक समान परों से घिरा अत्यंत चौड़ा खुलने वाला मुखद्वार इनका होता है। द माउथ माउथ इज विथ लॉन्ग ब्रिसल लाइक सेंसरी फेदर्स, और इसका एग्जाम्पल है गोड सकर, जिसको कि आप चित्र में देख सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन। प्लीज़ गो थ्रू बोथ द पार्ट्स एंड ट्राई एंड लर्न इट, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। थैंक यू।